हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। विजय ड्रीम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज एक नया वीडियो दोस्तों, कोई ब्लॉग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आप लोग को बस आप लोग से शेयर करना है कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए था बट हो गया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, क्या करें, बहुत टेंशन में थे फिर भी सोचे कि आप लोग से शेयर करते हैं। किसी किसी भाई को तो मालूम हो गया होगा, बहुत बड़ी ये घटना है, बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहें, मैं आप लोग को बताता हूँ। वीडियो की स्क्रिप्ट ना करें दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी भाई को सपोर्ट करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है तो सपोर्ट भी कर सकता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तो जो भाई सपोर्ट भी किसी का करना चाह रहा होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये किसी की मदद हो जाए, किसी का हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया दोस्तों। मैं भी आया हुआ था बहुत दूर में, मेरे को यहाँ पे छाँव मिला तो मैं सोचा ये वीडियो बनाऊं और भाइयों में शेयर हो जाएगा तो किसी ना ये वीडियो फैल जाएगा तो किसी ना किसी का हेल्प हो जाएगा। बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है दोस्तों। फर्स्ट टाइम मैं सोचता हूँ कि ऐसा हुआ, घटना ऐसा हुआ, पर फर्स्ट टाइम इतना बड़ा घटना हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो में बने रहें, आप लोग को बताता हूँ। वीडियो स्क्रिप्ट कर देंगे तो आप लोग नहीं देख पाएंगे। जो भी भाई मेरे वीडियो हैं, मेरे चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे तो इसी तरह से वीडियो आती रहेंगी। तो आज बहुत दुख की खबर है दोस्तों। तो दिल बहुत, मैं भी देखा, मेरा भी दिल बहुत रोने रोने सा हो गया बहुत, क्योंकि दोस्तों ये हादसा ही बहुत ख़तरनाक है। हादसा उड़ीसा में आप लोग को मालूम होगा, इतना ख़तरनाक हादसा हुआ, तीन तीन ट्रेनों का लड़ना। अब लड़ना कौन गलती किया कौन नहीं किया, पर किसी का माँ बाप छिन गया, किसी का बेटा छिन गया, किसी का पति छिन गया, तो इतना बड़ा हादसा हुआ। अब जिसका माँ बाप छिन गया उसका बच्चा तो माँ बाप का हो गया ना, जिसका पति छिन गया, जिसकी बीबी छिन गई, तो अभी देखें कितना बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भाई का हेल्प हो सके, हेल्प होएगा तो अच्छी बात है। मैं तो जब से ये वीडियो देखा मेरा दिल नहीं रहा गया। अगर मैं YouTube में काम नहीं करता तो शायद नहीं मेरे को जान पाता, ना ही मैं ये वीडियो बना पाता, पर मैं YouTube में काम करता हूँ इसलिए मैं सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ और आप लोग को बता दूँ कि ऐसा ख़तरनाक घटना। आप लोग भी कमेंट करें दोस्तों कि इसमें किसका गलती हो सकता है, किसका, स्टेशन मास्टर का, या जो सिग्नल देता है उसका, या जो पटरी चेंज करता है उसका, किसका गलती हो सकता है। आप लोग कुछ आइडिया और कमेंट बताएँ। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है कि किसका गलती हो सकता है, तो आप लोग ही बताएं। बाकी प्रधानमंत्री जी ने तो आके हॉस्पिटलों में मिल के सबसे मतलब वो किया है कि हम आप लोग का हेल्प करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, तो अच्छी बात है। अगर हेल्प हो जाएगा, हेल्प होगा तो अच्छी बात है। उसमें देखो गरीब भी थे अमीर भी थे, किसी का भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्या कहें कि अगर किसी का भी घर में कोई मृत्यु हो गई है, वो अमीर हो या गरीब हो, दुख तो सबको सेम है ना, दुख सबको सेम है। तो इसीलिए मैं सोचा आप लोग से ये वीडियो शेयर करता हूँ। ये कोई ब्लॉग्स नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना था, हमने आप लोग से बना दिया। तो ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो लोग दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएँ किसका गलती हो सकता है। तो दोस्तों अपना आप लोग ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी तरह से भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहें। भाई भी आप लोग के बीच से ही है, मैं भी दुखी हूँ बहुत। ओके दोस्तों, मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद।